नेक्स्ट वर्ब लेते हैं स्पीक. डू यू स्पीक? यस आई स्पीक. व्हाट डू यू स्पीक? इंग्लिश. व्हेन डू यू स्पीक? अर्ली इन द मॉर्निंग. वेयर डू यू स्पीक? इन द स्कूल. हूज लैंग्वेज डू यू स्पीक? आई डोंट नो. व्हिच लैंग्वेज डू यू स्पीक? इंग्लिश. व्हाई डू यू स्पीक? बिकॉज आई लाइक इट. हाउ डू यू स्पीक? वेरी नाइस. हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्पीक? मेनी टाइम्स. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. फ्रेंड्स, इंग्लिश में कहा जाता है नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश. यदि आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना नहीं आता तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ में यदि आप वहां पर उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाते तब भी आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी. अब आप सोचेंगे मैम, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना और इंग्लिश में उनके आंसर्स देना, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इस सब की पॉसिबिलिटी के लिए इंग्लिश ने हमें बहुत बड़ा वेपन दिया है. उसका नेम है WH. यदि WH के ऊपर आपकी कमांड होगी तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उनके आंसर्स भी दे सकते हैं. इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया था हाउ टू आंसर्स WH क्वेश्चंस. वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वेयर से क्वेश्चंस कैसे करने हैं, विच से कैसे करने हैं, हु से, बाय होम से, विथ होम से और वाय से, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार. इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे WH फैमिली का पोस्टमार्टम करके वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो कि इंपॉर्टेंट होता है वो कैसे दे सकते हैं. और इसी के पैरेलल में मैंने आपको बताया था सेकेंडरी WH क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं. इसकी पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं. आप यदि हमारे ऐप में जाएंगे तो वहां पर इनके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इनके आंसर्स भी मिलेंगे. इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो मैंने आपको बताई है. अब आप सोच रहे होंगे मैम, इन सब के लिए हमें करना क्या होगा ताकि हम भी बोल सके. तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आज हमारी मेथड को ऑब्जर्व करना होगा, टेक्निक को ऑब्जर्व करना होगा और स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा. आपको ऐसा नहीं करना है कि तुरंत आपको दो तीन WH वर्ड समझ में आते तुरंत बोलने लगेंगे. यदि ऐसा है तो मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, प्ले. आप उसे तुरंत कितने क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं? आप बोलेंगे मैम कर सकते हैं. कितने करेंगे? अब बोलेंगे मैम आप क्या खेलते हो, कब खेलते हो, कहाँ खेलते हो, बस इतने ही कर पाए ना. आगे के सब कहाँ गए, किसके साथ खेलते हो, कितनी दूरी तक खेलते हो, कितने घंटे खेलते हो, यहाँ से कितनी दूरी तक खेलते हो, तो ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे WH वर्ड्स को समझा है, उनके क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स को भी हमने समझा है कि किस तरीके से दे सकते हैं. आज यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करने वाले हैं. उस एक्टिविटी में हम सबसे पहले स्टूपिड एक्टिविटी करेंगे. स्टूपिड एक्टिविटी मैम ये क्या है, आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा. तो ये स्टूपिड एक्टिविटी समृद्धि मेरे साथ में करने वाली है. यहां पर हम WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है, उनके आंसर्स कैसे देना है, इस पर फोकस करने वाले हैं. पहले ट्रांसलेशन मेथड का यूज करेंगे. इट मींस अपनी मदर टंग जो कि हिंदी है मेरी, उसमें हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और उसी में आंसर्स देंगे. क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज. इंग्लिश को हम समझ नहीं सकते जब तक हमें अपनी मदर टंग में कमांड नहीं होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए पहले हम ट्रांसलेशन मेथड का यूज करेंगे और उसके बाद में डायरेक्ट मेथड पर आएंगे. इट मींस यहां पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन इंग्लिश में करेंगे और उनके आंसर्स भी आपको इंग्लिश में मिलेंगे. लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है. आपको तुरंत ऐसा नहीं करना कि पहले डायरेक्ट मेथड पर आना है फिर ट्रांसलेशन पर आना है, या ट्रांसलेशन पे आना ही नहीं है. क्योंकि इंग्लिश को यदि आपको सीखना है तो एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा. उसी सीक्वेंस पर चढ़कर आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, उसमें ट्रेंड हो सकते हैं. तो क्या करना है, ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है. यदि आपके पास में पेन और नोटबुक है तो राइट भी कर लेना है. तो यहां पर समृद्धि आपको समझ में आ गया होगा. हमने यहां पे केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्टिविटी करेंगे, वो भी उसके टाइप 1 की. एक ही टाइप से हम मोर देन क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे यहां पर ये हम बताने वाले हैं. इसके आगे भी फ्रेंड्स आप देखेंगे मोर देन 500 हमने स्ट्रक्चर्स फ्रेम किए हैं, जहां पर हमने क्वेश्चनिंग आंसरिंग की है, और 1000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज की हैं. लेकिन इस सब के लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा. आज का वर्क क्या है, यहां पर हम देखेंगे हाउ टू आंसर्स WH क्वेश्चन, और ये स्टूपिड एक्टिविटी होगी और पहले हम हिंदी में करेंगे. तो समृद्धि मैं आपको यहां पर एक वर्ब देती हूं, टीच. आपका वर्ब है टीच, लेकिन आपको टीच नहीं बोलना है. यहाँ पर क्या बोलना है आपको, टीच का हिंदी में पढ़ाना, आपको बोलना है पढ़ाना. तो आप यहाँ पे मुझसे कितने क्वेश्चन कर सकती हैं? तो मैं जैसे आपको बोलती हूँ, आप मुझे ऐसा पूछ सकती हैं, डू यू टीच, तो मेरा आंसर होगा हाँ मैं पढ़ाती हूँ. इसके बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती हैं. क्या आप पढ़ाती हो? हाँ मैं पढ़ाती हूँ. आप क्या पढ़ाती हो? मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ. आप कब पढ़ाती हो? मैं सुबह पढ़ाती हूँ. आप क्यों पढ़ाती हो? क्योंकि मुझे पसंद है पढ़ाना. आप कहाँ पढ़ाती हो? मैं विटी शिंदे क्लासेस में पढ़ाती हूँ. आप किसके साथ पढ़ाती हो? मैं अपनी बहन के साथ पढ़ाती हूँ. आप कैसे पढ़ाती हो? मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ. आपको कोई शक है क्या? नहीं है ना, अच्छा पढ़ाती हूँ. थैंक यू समृद्धि. आप कितनी बार पढ़ाती हो? मैं दिन में 2 बार पढ़ाती हूँ. आप यहाँ से कितनी दूरी तक पढ़ाती हो? मैं यहाँ से 2 किलोमीटर तक पढ़ाती हूँ. आप कितनी देर तक पढ़ाती हो? मैं 5 घंटे तक पढ़ाती हूँ. आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो? मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ. आप किसका सब्जेक्ट पढ़ाती हो?
मैं अपना खुद का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। वेरी गुड समृद्धि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने कुछ ऑब्जर्व किया, यहाँ पर आपने केवल यही देखा होगा हिंदी में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। एक्चुअली कम्युनिकेशन तो था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में एंसरिंग कैसे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट था। अब मैं यहाँ तो मैंने केवल एक ही वर्ब लिया है, पढ़ाना, टीच। यदि मैं आपको यहाँ पर ऐसा बोलती हूँ कि 10 to 20 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस करनी है, तो आपको केवल ये प्रैक्टिस हिंदी में करनी है। कैसे करनी है? जैसे मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर मैं ईट वर्ब देती हूँ खाना, आप तुरंत कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे ईट से? जैसे मैं आपको बोलती हूँ क्या आप खाते हो, यदि आपने बोला हाँ मैं खाता हूँ या खाती हूँ, तो तुरंत मेरे सभी क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। कैसे बोलूंगी मैं, देखिए आप क्या खाते हो, कब खाते हो, कहाँ खाते हो, कितनी बार खाते हो, यहाँ से कितनी दूरी तक खाते हो, कौन सा आम खाते हो, किसका आम खाते हो, क्यों खाते हो, तो ये सभी क्वेश्चन कैसे आ गए, तुरंत आए हैं, ये मैंने एक ही सांस में बोला। कैसे बोला? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पहले मदर टंग में प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर केवल एक या दो वर्ब्स लेके प्रैक्टिस नहीं करनी है, एटलीस्ट 10-20 वर्ब्स तो लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में आना है आपको। अब देखिए ये हमारी प्रैक्टिस हो गई, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी लंबाई पर ध्यान नहीं देना है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सही आपका गैस है, यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करने वाले हैं। समृद्धि मुझसे क्वेश्चन करने वाली है, मैं उनके आंसर्स देने वाली हूँ, और ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग किसमें होगी, इंग्लिश में ही होगी। तो आपको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व भी करना है, गैस मत कीजिएगा, केवल ध्यान से देखिए। समृद्धि समझ में आया? Yes. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। Do you teach? Yes, I teach. What do you teach? I teach English. When do you teach? At 2:00. Why do you teach? Because I like to teach. Where do you teach? We teach in the classes. Which subject do you teach? I teach English subject. Whose subject do you teach? My subject. With whom do you teach? With my sister. Oh, how do you teach? Very well. How long do you teach? 4 to 2 hours. How many times do you teach? 2 times. How far do you teach from here? 2 kilometers. Very good, Samruddhi. अब मैं आपको next verb देती हूँ, eat. Do it? Yes, I eat. What do you eat? Mango. When do you eat? At morning. Where do you eat? In my home. Which mango do you eat? Alfonso. अब मैं आपको verb देती हूँ, read. Do you read? Yes, I read. What do you read? I read a newspaper. Why do you read? Because I like to read. Which newspaper do you read? The Indian Times. Where do you read? In my home. Whose newspaper do you read? I don't know. How do you read? Very well. How many times do you read? 2 times. How long do you read? For 1 hour. How far do you read from here? 2 kilometers. तो समृद्धि अब मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आपको आंसर्स देने हैं। आर यू रेडी? यस। ओके। डू यू प्ले? यस आई प्ले। व्हिच गेम डू यू प्ले? आई प्ले क्रिकेट। व्हाई डू यू प्ले? बिकॉज़ आई लाइक इट। विथ हुम डू यू प्ले? आई प्ले अलोन। हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्ले? आई प्ले 2 times. हाउ डू यू प्ले? आई प्ले वेरी नाइस। हाउ फार डू यू प्ले फ्रॉम हियर? 2 kilometers. हाउ लॉन्ग डू यू प्ले? 2 hours. डू यू राइट? यस आई राइट। व्हाट डू यू राइट? I write a letter. When do you write? Early in the morning. Where do you write? In school. Which book do you write? I write story book. Why do you write? Because I like it. Whose book do you write? I don't know. How do you write? I write very slow. How many times do you write? Only 1 time. How far do you write from here? 2 kilometers. How long do you write? 2 hours. Samruddhi, अब हम next verb लेते हैं, sing. Yes. Do you sing? Yes, I sing. What do you sing? Hindi song. When do you sing? Early in the morning. Where do you sing? In the school. Which song do you sing? Hindi song. Why do you sing? Because I like it. Whose song do you sing? Lata Mangeshkar's song I sing. How do you sing? Very nice. How many times do you sing? Only 1 time. How far do you sing from here? 2 kilometers. How long do you sing? 2 hours. Samruddhi, next verb lete hai, speak. Yes. Do you speak? Yes, I speak. What do you speak? English. When do you speak? Early in the morning. Where do you speak? In the school. Whose language do you speak? I don't know. Which language do you speak? English. Why do you speak? Because I like it. How do you speak? Very nice. How many times do you speak? Many times. Very good Samruddhi. तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करके यहाँ पर इसने आंसर्स दिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका रिजल्ट आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ इररेफरेंसली क्वेश्चंस करूंगी और यहाँ पर ये उसके आंसर्स देगी। आपको नोटिस करना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपको भी ऐसा रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो समृद्धि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे इररेफरेंसली क्वेश्चंस करती हूँ। डू यू ब्रश? यस आई ब्रश। व्हाट डू यू ब्रश? टीथ। व्हेन डू यू ब्रश? Early in the morning. Where do you brush? In my house. Why do you brush? Because it is necessary. With whom do you brush? Alone. Do you cook? Yes, I cook. What do you cook? I cook rice. When do you cook? Early in the morning. Where do you cook? In my house. With whom do you cook? Alone. How many times do you cook? Only 1 time. How long do you cook? For 1 hour. Do you go? Yes, I go. Where do you go? In market. When do you go? At evening. Why do you go? To buy vegetables. With whom do you go? With my mother. How many times do you go? Only 1 time. Do you dance? Yes, I dance. Why do you dance? Because I like to dance. Where do you dance? In school. When do you dance?
At evening. With whom do you dance? With my friend. How many times do you dance? Only one time. On which song do you dance? On Hindi song. On whose song do you dance? Lata Mangeshkar song. How many times do you dance? Only one time. Very good, Samruddhi. तो friends, यहाँ पर हमने आपको direct methods के माध्यम से हमने activity करके बताई. Same thing, आपको ऐसी ही practice आपको 10 to 20 verbs लेकर के English में ही करनी है. इसका फायदा क्या होगा? ये तो मैं आपको बता नहीं सकती क्या फायदा होगा. जब आप practice कर लेंगे तो आपको खुद से ही समझ में आएगा कि आपके अंदर fluency कितनी बढ़ गई है. क्योंकि WH family का जादू ही ऐसा होता है. यदि आप इसको समझ सकते हैं तो आपकी fluency में ये चार चांद लगा देगा. Practice कैसे करनी है? यदि आप मुझसे ये question करेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको पीछे का वीडियो देखना है. हम दोनों ने जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, पहले ट्रांसलेशन मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड पर आए थे, आपको सेम टेक्निक फॉलो करना है. कोई भी गैस नहीं करना है और डायरेक्टली आपको जंप नहीं लेना है. डायरेक्ट मेथड के बाद ट्रांसलेशन मेथड पे नहीं आना है, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं हमारे कोर्स को एक सीक्वेंस है. यदि आप उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा. और यदि आप यहाँ वहां यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज देखने के बाद में बिना इररेफरेंस लिए हमारे वीडियोज को देखेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. और यदि आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, स्पीकिंग के साथ में आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ए टू जेड ग्रामर विथ राइटिंग स्किल के कोर्स को देख सकते हैं, जहां पर हमने मोर देन 200 से भी ज्यादा आइटम्स रखे हैं ग्रामर के, और हर आइटम्स के बाद में हमने एक्सरसाइज की है जो एग्जाम ओरिएंटेड है. इस तरीके से आपको टू टाइप्स के डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे. और ये है हमारा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग का कोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है. और फ्रेंड्स, इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेथड और टेक्निक बहुत ही अलग है. लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके. और इसके साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस और किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है. एट लास्ट फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको? जो मैंने प्रैक्टिस की टेक्निक दी आप उनको क्या फॉलो कर रहे हैं, ये सभी चीजें आप कॉमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.